आज दोस्तों जैसे अपन एकाधी गाड़ी बनाते विंटेज जो प्रोजेक्ट पर अपन काम करते हैं वो एक आधी बार वो देखिए ऐसे मतलब पार्ट नहीं मिलते तो प्रोजेक्ट रुक जाता है, वैसे ही गाड़ी जो है उसका काम रुक गया है। चलो देखते हैं दोस्तों, ये जो गाड़ी है 130 किलोमीटर से टून करवा के लाई है, जो गाड़ी रिस्टोर करनी थी इसकी। देखिए जो क्लच प्लेट है जो ख़राब हो गई, मिल नहीं रहे अभी वो, इसलिए इसका काम रुक गया है। ऐसे अपन एक आंधी गाड़ी बनाते हैं और ये ऐसे देखिए पार्ट नहीं मिलता तो हमारा प्रोजेक्ट रुक जाता है। वैसे तो गाड़ी रिस्टोर करने की है, आप देख लीजिए गाड़ी एकदम मतलब एकदम क्लासिक, बड़े अच्छी दिख रही है। 4 साल पहले की बात है दोस्तों, मैंने ये गाड़ी वर्धा में देखी थी। बिल्कुल मैंने ये गाड़ी को इसलिए पहचान ले, इसमें ऊपर जो एक उर्दू में नाम लिखा है देखिए, इसके वजह से मैंने इसको पहचान लिया, जो कि 130 किलोमीटर से ये जो गाड़ी है टोन करवा के लाई है। ऐसे ही आप एक आंधी गाड़ी बनाते हैं तो वो पार्ट नहीं मिलते तो आपका प्रोजेक्ट रुक जाता है, पर ये गाड़ी जो है बनाने की है, बनेंगे बाद में जैसे पार्ट मिलते हैं। देखिए वही एकदम स्टेरिंग गियर वाली गाड़ी है एकदम। ये ऐसी जो स्टेरिंग है वो 92 में आती थी, मेरे पास जो पद्मिनी है वो 87 की है, जो कि क्लासिक एम्पाला जो कार है उसके जैसी दिखती है। ये अपडेट किया हुआ है, मतलब जो कंपनी है जो डीजल चाहिए डीजल ला रही थी, अपडेट कर रही थी प्रीमियर पद्मिनी को, उसमें एसी भी आता था। ज्यादातर केरला और साउथ में जो गाड़ियां है वो सब डीजल में है और ये पेट्रोल गाड़ी है। बिल्कुल महाराष्ट्र में ज्यादातर पेट्रोल गाड़ी में थी। देखिए सब बाद में ये दोस्तों ये बन जाएगी, पीछे में साउंड आते थे दोस्तों। एक गाड़ी टाइम लगेगा पर ये बन जाएगी, पर इसका जो प्रोजेक्ट पर इस पे ऊपर चल रहा है वो भी रुक गया है। इसका इंजन की बात करते हैं, देखिए इसका इंजन जो है दोस्तों बनाकर रेडी है, सिर्फ एक क्लच प्लेट के लिए गाड़ी रुक गया है। बाद में ये गाड़ी पूरी बनाई जाएंगी और इसे पेंट भी किया जाएगा। करीब करीब 2-3 महीने से यही ऐसे बन पड़ी है, मतलब उतने दूर से लाना और इसको बनाना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।